16 अगस्त को सर्विसेज मिनिस्टर और विजिलेंस मिनिस्टर होने के नाते चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी विजिलेंस को एक आदेश दिया था और 16 अगस्त के दिए हुए आदेश को के बाद चीफ सेक्रेटरी ने 21 अगस्त को 10 पेज की एक चिट्ठी लिखी और उसमें जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट का हवाला देते हुए स्पष्ट अक्षरों में कह दिया है कि हम चुनी हुई सरकार के मंत्री की बात नहीं मानेंगे। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास अपनी चिट्ठी के 37 पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास ताकत नहीं है, अफसर के पास ताकत है, मुख्य सचिव के पास ताकत है, मंत्री के पास ताकत नहीं है। ये चीफ सेक्रेटरी ने लिखित में ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दिया।